शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक मिनट सर, सर आप सर क्या हो गया? टैक्सी! भाई साहब थोड़ा तेज चलाइए प्लीज। हेलो मेरा जी, मैं राज गोयल। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की। वो रहने वाली महलों की। डॉक्टर साहब, अब कोई घबराने की बात तो नहीं है? अगर आप इन्हें सही वक्त पे नहीं ले आते तो चिंता की बात जरूर हो सकती थी। ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते थे। मिस्टर मित्तल, यू मस्ट थैंक्स दिस यंग मैन। टेक केयर। राज, बेटा बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। सर प्लीज, आप ऐसे मत कहिए। जिसे आप एहसान समझ रहे हैं, मैं उसे अपना फर्ज समझता हूँ। वैसे तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? चिंता की अब कोई बात नहीं है, तुम ही निकलो बेटा, बहुत से काम होंगे पेंडिंग। नहीं सर, जब तक आपके पास कोई आ नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सर, सर ये सब। अरे अरे मेरा जी, कोई फिक्र की बात नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये राज बहुत सही समय पर मुझे यहाँ ले आया। थैंक यू। माय प्लेजर। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते मेरा जी। रानी से तो इस बारे में कुछ नहीं कहा ना? कैसे नहीं बताता सर उसे? क्या राज? हाँ भैया, मुझे याद है, मैं बस 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। राज, आधा घंटा तो पहले ही लेट हो, अभी 15-20 मिनट और इंतजार करवाओगे?
भैया अब कुछ काम, अब बस तुम्हारा जरूरी काम रहने दो, की होगी कोई सोशल सर्विस। अरे अरे रो क्यों रही है पगली, कुछ नहीं हुआ मुझे, इसीलिए तो हॉस्पिटल में पड़े हैं। हम ही समझाते रहते कि शहर में ट्रैफिक में ध्यान से चलना चाहिए, आपका ध्यान कहाँ था पापा? आपको कुछ हो जाता तो डांट चुकी हूँ, अब मैं कुछ बोलूं? नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप बस अपना ध्यान रखेंगे। पापा, अंकल, वो कहाँ है जो पापा को यहाँ लेके आए थे? वो तुम्हारे आने से पहले ही गया है, वो देखो, वो जो ग्रीन शर्ट वाला है ना, जो फोन पे बात कर रहा है, वही है। थैंक यू अंकल, पापा हम अभी आते हैं। घर आने की कोई जरूरत नहीं, तुम सीधे रेस्टोरेंट ही पहुंचो, हम भी सीधे वहीं पहुंच रहे हैं। ओके भैया, मैं आता हूँ। चिंता मत करो, आता ही होगा। वैसे घर से निकलने से पहले मेरी उससे बात हो गई थी, बस माँ आज तो यही प्रार्थना करो कि आपके छोटे लाडली बेटे का यहाँ पे रिश्ता हो जाए, बस राज को दिव्या पसंद आ जाए। अरे संभल के माँ, जानती हो दिव्या के पापा इतने बड़े IAS ऑफिसर है। हाँ और क्या माँ, एक बार राज उनका दामाद बन जाए ना तो 40-50 हज़ार रुपये महीने की नौकरी तो वो यूँ दिलवा देंगे। 40-50 हज़ार? मैं तो ये 40-50 हज़ार क्या हुआ पापा? एक महीने में? अजी मुंह बंद कीजिए, चलिए मनोज। हाँ? अगर ऐसा हो जाए ना बेटा तो बहुत ही अच्छा। अरे क्यों नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ सोचो तो फायदे का सोचो, और जरा पापा को समझा देना, गुप्ता साहब के सामने ज्यादा बातें ना करे, मुझे बोलने दे। हाँ? सुना ना आपने? सुनने की तो आदत पड़ गई है, मैं तो वही बोलता हूँ जो आप लोग बोलने के लिए बोलते हैं। मैं चुप ही रहूंगा। चले जी। हाँ। नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, हम भी अभी अभी। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा, पापा बेटी आई, अब ये मेरी वाइफ है आरती, और ये मेरी छोटी बहन सलोनी। हाय डैड। राज बस वो अभी आता ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उससे बात की तो वो। भैया राज भैया आ गए। लंबी उम्र। नमस्ते, वो थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, बैठ। Thank you.
मैं और राज अगर अलग बैठकर बात करें तो? हाँ, क्यों नहीं, गो अहेड। तुम लोग एक दूसरे को पहचान लो, समझ लो, हमारा काम तो बाद में आता है ना? हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। राज, कम ऑन राज। हाँ बेटा, जा। क्या लेंगे? जी मैं तो टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खा लूंगी। राज, मुझे तुम्हारे बारे में और तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं ना तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ और ना ही मुझे ये पसंद है कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। मेरे डैड तो तुम्हें एक अच्छा जॉब दिला ही देंगे जिसमें ज़्यादा सैलरी हो, एक फ्लैट मिलेगा, गाड़ी मिलेगी और उस फ्लैट में हम दोनों चैन से अपना जीवन बिताएंगे। ये फैमिली सीन मेरा सीन नहीं है, तुम समझ रहे हो ना राज जो मैं कह रही हूँ? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है हा? क्या नुक्स दिखे तुझे दिव्या में? कैसे कर लूं मैं उस लड़की के साथ शादी जिसके साथ मेरे ख्याल ही नहीं मिलते हैं? वैसे बता रहे हैं जन्म पत्रिका मिलना तो सुना है, लेकिन ये ख्याल, अरे रुकिए। देख बेटा, जब दो अलग अलग इंसान एक रिश्ते में बनते हैं ना, तो फिर आपस में उन लोगों को अपने सोच विचार हर चीज के साथ समझौता करना पड़ता है। समझा कर तू। क्यों जी, करना पड़ता है ना समझौता? अरे कुछ कहिए ना इससे। मैं कहूँ? हाँ, समझौता तो करना ही पड़ता है। हाँ। जब रिश्ते जोड़ने से पहले ही समझौते की बातें होने लगे तो समझ लीजिए कि रिश्ते की बुनियादी कमजोर है। और वैसे भी मुझे ऐसे रिश्ते बिल्कुल मंजूर नहीं जो मुझे रिश्ते तोड़ने के लिए कहे। लेकिन राज, राज वो 40-50 हज़ार की नौकरी भी दिलवा देते ना तुझे। हाँ? दामाद खरीदे थे ना, कीमत देनी पड़ती। राज, जरा समझाने को कहा था उससे। समझाए तो मैम? कौन समझाए इसे, मां ना जाने कितने संत महात्मा की आत्मा है इसमें। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सोचो तो फायदे का सोचो, है ना। अरे एक बार शादी हो जाती ना, सब कुछ संभाल लेता मैं। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। वैसे बता रहे हैं एक रिश्ता अभी भी है ना, मेरी चचेरी बहन का, पूरे 5 लाख लेकर खड़े हैं वो लोग। खड़े रहने दो ना। अरे मैं 20-25 लाख ही सोच रहा हूँ और ये है 5 लाख कोरोना लेकर बैठी है। राज भैया की सब लोग की रानी न जाने कहाँ छिपी बैठी है, पता नहीं कब दिखेगी। लो हम आ गए। पापा देखिए, हम आपकी सारी पुरानी पेंटिंग का सामान लेके आए हैं। इतनी अच्छी पेंटिंग क्या कर देते, छोड़ क्यों दी? पापा, अब से जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, आप सिर्फ रिलैक्स करेंगे और पेंटिंग्स करेंगे। पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? काम? मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो बस चुपचाप तुम्हारे ऑर्डर सुन रहा हूँ। वेरी गुड। पापा, आपने जूस भी नहीं पिया। माई, जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते, पापा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं। और पापा, अगर आपके ऑफिस से फोन आया ना, हम आपको बात नहीं करने देंगे, ओके? भाई जी, हो सकता है हम गलत सोच रहे हों, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोई चिंता है जो आपको अंदर अंदर खाई जा रही है? नहीं नहीं भाई, मुझे भला क्यों कोई चिंता होने लगी। पापा, शीतल जीजी का फोन है। हाँ,
हेलो, कैसी हो बेटा? पापा प्रणाम। खुश रहो। समधी जी की तबीयत अब कैसी है? पापा, हम उन्हें हार्ट सर्जरी के लिए US ले जा रहे हैं। इनके एक कजिन वहाँ पर हार्ट सर्जन है और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम उन्हें वहाँ लेके आए। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नचिकेत बाबू से भी कहना कि बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से समधी जी को लेकर जाएं। जी पापा। और रोहन को मेरा प्यार देना। जी पापा। पापा जरा रानी को दीजिए फोन। लो बात करो। जी जी हाँ, हम अभी पापा की पेंटिंग का सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। रानी का कहना है कि पापा आप काम नहीं सिर्फ आराम करेंगे, पर रानी को कौन समझाए कि तेरे पापा के पास अब काम रही काम गया है, पर आराम भी तो नहीं है। हेलो सर, अब कैसी तबीयत है आपकी? फर्स्ट क्लास। आओ आओ, देखो पेंटिंग कर रहा हूँ। आओ बैठो। यस सर। बैठो बैठो। थैंक यू। माइक, ये हैं राज, इन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया था। जितने बैठो। सर आपकी रॉयल चैम्बर्स वाली जो डील है ना, मैं उसके पेपर्स तैयार करवा रहा था, मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। श्योर। करने हैं साइन? यहाँ पे सर। एक बात पूछो बेटा। यस सर। सफलता के लिए तुम किसे ज्यादा अहम समझते हो, मेहनत को, ईमानदारी को, किस्मत को? सर तीनों को। अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए और किस्मत भी साथ दे रही हो तो पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। और अगर रास्ते में किस्मत अकेला छोड़कर चली जाए तो? सर तब भी ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर राहु में पीछे मुड़ के देखो तो अपने कदमों पे पछतावा नहीं होना चाहिए। और आगे आने वाली मुश्किल से डर नहीं लगता। अपनी इस सोच को कभी बदलना मत राज। आज तुमसे बात करके मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मेरी सोच भी बिल्कुल ऐसी ही हुआ करती थी। सर, आज भी एकदम वैसी ही। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ऐसा है राज, की मेरी बेटी रानी तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन आज अभी वो इस वक्त घर पे है नहीं। चल फिर कभी सही। ओके सर। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ओके, नमस्ते। भाई जी, राज कितना प्यारा बच्चा है ना, चेहरे पे कितना भोलापन और सच्चाई है। आप भी हमारी रानी के लिए राज जैसे ही लड़का ढूंढिएगा।
आप भी हमारी रानी के लिए राज जैसे लड़का ढूंढिएगा। चेहरे पे कितना भला भला सच्चाई है। आप भी हमारी रानी के लिए राज जैसे लड़का ढूंढिएगा। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले एव मस्तु करुणा निधि बोले आपु सरिस खोजो कह जाई नृप तव तनय होब मैं आई। राज जैसा क्यों, राज ही क्यों नहीं?